आपकी जो शीट्स हैं उनको जोड़ सकती हैं। तो ये रिप्लेस करती है हमारी बट वेल्डिंग को। फ्लैश वेल्डिंग उससे अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो इसका ऑपरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन जिसका ऑपरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसा है? इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, क्लैंप्स हैं, सेम जो कंपोनेंट हैं, और ये कनेक्टेड हैं, और हमारे पास ये मेटल जो शीट्स हैं। लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे हम? पहले करंट की सप्लाई को ऑन करेंगे। पहले हमने करंट की सप्लाई ऑन कर दी, अब जो हमारा मूवेबल क्लैंप है वो मूव करेगा इसकी तरफ, और ये इसके साथ इम्पैक्ट करेगा, और वहां पे स्पार्क क्रिएट होगा जिससे फ्यूजन पॉइंट आएगा और ये दोनों मेटल वेल्ड हो जाएंगे। इसको फ्लैश बोलते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे फ्लैश जो क्रिएट होते हैं, इसलिए इसको फ्लैश वेल्डिंग बोलते हैं।